हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज हम लोग जो देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल एजुकेशन टॉपिक। असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक का एक हिस्सा है। आप लोग ज़रूर देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ पर हम लोग 50 MCQ डिस्कशन करने वाला है। जो स्टूडेंट ने बार बार मैं कहता हूँ, जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट दे रखा है उसी स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर उस सब्जेक्टिव लगाइए, उसका बात ये ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारा 10वां लेक्चर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक एनवायरमेंटल एजुकेशन टॉपिक। उसका बाद हमारा जो आएगा आईटी लिटरेसी, यानी जो आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पैक्ट ओनली एट डैश। आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्कूल स्टेज, सेकेंडरी स्कूल स्टेज, कॉलेज स्टेज, यानी उपरोक्त सभी जो ऑल ऑफ दिस ऑल स्टेज होगा, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और जब भी मैं वीडियो अपलोड कराऊंगा, ताकि हर टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज टू डैश, उसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रोस्फीयर, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस दैट डील्स विथ ए रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरमेंट इज नोन एज डैश, देखिए उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही, इकोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ नाइट्रोजन ऑन आवर प्लांट इज डैश, उसका जो सही आंसर है, देख लीजिए, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इन द वर्ल्ड द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया इज डैश, चलिए हमारा जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ये कितना नंबर का इकोनॉमी है, ये होंगे, ये है फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन एक्टिविटीज एमंग द फॉलोइंग व्हिच कॉज मैक्सिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैविंग रीजनल एंड जियो ग्लोबल इम्पैक्ट इज डैश, उसका जो सही आंसर है, देखिए क्या होगा उसका सही आंसर, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इन ए फूड चेन ह्यूमंस आर डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डैश, चलिए उसका जो सही आंसर है, देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैकल्टी ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग इन व्हिच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो बैक्टीरिया है एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल डेट्रस फूड चेन स्टार्स विथ डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एनवायरमेंट यानी जो परिवेश बोलते हैं, जो उसका जो इंग्लिश मीनिंग है एनवायरमेंट, ये डिराइव्ड व्हिच फ्रॉम, यानी इटली, फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लिश, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मेरे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए, और नहीं जानते हो मेरे कमेंट कीजिए और मेरे अगला टॉपिक में उसका सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर डैश। सभी लोग जानते होंगे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को डे रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा दिन में? 5 जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही है, फूड चेन। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डैश। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनहांसिंग द बायोडाइवर्सिटी, प्रमोटिंग सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, फार्मिंग विदाउट यूजिंग प्रेस्टिजियस एंड केमिकल फर्टिलाइजर, यानी उन सभी के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ डैश। सभी लोग जानते होंगे ये से इंटरलॉकिंग ऑफ द फूड चेन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हिच एटमॉस्फेयर लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ सर्फ, ये किस सरफेस पर किस लेयर पर एटमॉस्फेरिक है ये बताया जा रहा है। उसका जो साइन है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 3.18% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे परिवेश में, हमारा एटमॉस्फेयर में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 का तैयार कर रहे हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से नोट कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए जाइए। ठीक है, और मेरे साथ कुछ भी स्टूडेंट MCQ लगा रखा है, प्लीज़ मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कितना सही कितना गलत कर रहे हैं। और खुद से कि अच्छा लगा तो मेरे वीडियो आपको एक ज़रूर एक लाइक कीजिए। ठीक है, हमारा जो आज लाइक है टारगेट 10 का लाइक है, और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, ताकि और पढ़ाई कुछ स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल डिजास्टर इवेंट्स लाइक वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट एनवायरमेंटल चेंज व्हिच आर डैश। इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए बोथ ए एंड बी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर एनवायरमेंटल इशू इन माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी के लिए वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉयल डिजास्टर हो रहा है, एयर पॉल्यूशन एंड डस्ट भी हो रहा है, यानी उपरोक्त सभी हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELA इज रिलेटेड टू डैश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखते होंगे उसका क्या होगा सही आंसर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काओ डंग कैन बी यूज्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बोथ ए एंड बी, ए मैनर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, काओ डंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द बेस्ट एनवायरमेंटल क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूएल। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, CNG। CNG का फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम डैश। आप लोग सभी लोग जानते होंगे ये वाटर से हाइड्रो हो सकता है, फॉरेस्ट तो नहीं होगा, कोल प्लांट नहीं होगा, लेक एंड पॉन्ड ये भी नहीं होगा, वाटर रिजर्वर ऑफ द रिवर डैम ये ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसका नेचुरल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, अर्थक्वेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स एंड मेडिकल हर्ब्स इज नोन एज डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द फॉसिल फ्यूल व्हिच कॉज मैक्सिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू इट्स यूज इन जेनरेशन ऑफ थर्मल पावर। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एग्जांपल ऑफ रीनेबल एनर्जी सोर्स, यानी उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, हाइड्रो पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज डैश। एडहेसिव इफेक्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर में सॉयल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वेस्टेज ऑफ लॉगिंग हो रहा है, यानी अब उन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, स्मोक एंड फॉग, ये दोनों मिलकर स्मॉग बन कॉम्बिनेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग वेट स्कर्वर, कैटलिस्ट कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है जितने, कौन सा है नेचुरल सोर्स एयर पोल्यूशन का, अभी लोग सभी लोग जानते होंगे बालकनी। ठीक है, जो भूकंप वगैरह हो रहा है ये है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम डैश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एनवायरमेंटल इश्यू इन माइनिंग एक्टिविटीज। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए क्या होगा, सही आंसर, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक में ये ऑप्शन बैठा रहा है वहाँ पे, ये ऑप्शन शायद वो उसका नहीं है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स डैश इंक्रीज द अर्थ ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये सही बात है। इंक्रीज द सोलर रेडिएशन, वो भी सही बात है, वो नहीं। एसिड रेन, वो भी नहीं। ऑल ऑफ द अबव, वो भी नहीं है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इंक्रीज इन अर्थ बॉडी टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट, उसका मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज, फूड प्रोडक्शन, मेल्टिंग ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लाइमेट एंड ग्लोबल एयर सर्कुलेशन आर मेनली अफेक्टेड बाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनिज्म ऑन प्लांट एंड एनिमल लाइफ डैश। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए उसका क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लॉस ऑफ पीसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर अब्जॉर्ब डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डैश। जो हमारा जो ओजोन लेयर को किसमें, किसी यंत्र में मापा जाता है, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, ये जो डेसिबल दे रखा है ये है साउंड मापने के लिए। ठीक है,
ये जो पीपीएम जो दे रखा है ये है जो डस्ट जो वगैरह हो एनवायरनमेंट का जो डस्ट उसको नापने के लिए है पीपीएम। पीपीएम का जो फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द इक्विवेलेंट ऑफ द डॉप्सन यूनिट इज डैश। जो इक्विवेलेंट है उसका जो सही आंसर है 0.01 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देख लीजिए डॉप्सन यूनिट में एमएम उसका जो इकाई है एमएम में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेडिकल मेजर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेडिकल मेजर फॉर द एसिड रेन। उसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यूज कोल फ्री फ्रॉम सल्फर, यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक परपेंडिकुलर द कैटलिस्ट कन्वर्टर, रिड्यूसिंग द रिलैक्स द ऑक्साइड इंजिंग नाइट्रोजन सल्फर इंट्रोड्यूस द एटमोस्फियर। यानी उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ प्रोमुल्ट इन इंडिया वाज डैश। जो फर्स्ट जो मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ कौन से बना सकता है कौन से में, ये जो चार ऑप्शन में कौन सा लॉ फर्स्ट में बना हुआ था। देख लीजिए उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटर एक्ट में पहले बना, ऑप्शन नंबर बी वाटर एक्ट पहले में बना हुआ था। ठीक है देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज मीन फॉर डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म WWF इज डैश। उसका जो सही आंसर है जो हमारा जो पहले था वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यह हमारा पहला था अभी वो लाइफ को काटा दिया गया। वर्ल्ड वाइड फंड ध्यान से याद कीजिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड ये हो गया अभी WWF फुल फॉर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टारगेटेड टू डैश। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसका टारगेट, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यानी जनरल पब्लिक, प्रोफेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, टेक्नीशियन एंड साइंटिफिक, इन तीनों है सही आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ एसिड रेन इज डैश। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है लेस देन 5.7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन ऑब्जर्व बाय ओजोन लेयर इज डैश। ओजोन जो लेयर है ये कौन सा रेडिएशन को ग्रहण करता है, किस रे को ऑब्जर्व कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है अल्ट्रा वायलेट। सो फ्रेंड वहाँ पे 50 MCQ हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। ये जो हमारा था एनवायरमेंटल एजुकेशन टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर एक लाइक कीजिए। हमारा जो टारगेट है आज 10 का लाइक, आप एक एक करके 10 का लाइक मेरा दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाए तो मेरे और बेहतर के लिए लाता रहूँगा। ठीक है चलिए आज ही उतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।